छह बार राम राम कहे, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तानो परिहारे रघु पर बिरहा, राव गयो सुरधाम। दौड़ पड़ी देवियां, चक्रवर्ती में सम्राट दशरथ आए। देखो सोचना मत कि आप बड़े संपन्न हो, दशरथ से ज्यादा संपन्न कौन होगा। चार चार बेटे हैं उनको, एक भी बेटा पानी देने के लिए नहीं सामने है। राम लक्ष्मण वन में है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, देवराज इंद्र उनका मित्र है, वशिष्ठ उनके गुरु है। अगर अपने कर्मों का फल राम के बाप दशरथ को भोगना पड़ता है, तो कभी कोई आपसे कहे हम आपके कर्म को मिटा देंगे, तो मिटाने वाला नहीं है। बस इतनी बात है, गायत्री जप से, महामृत्युंजय जप से, रामायण पाठ से, भागवत पाठ से, जैसे चश्मा लगाने से लब्धम नेत्र निर्माणम, आंखों की शक्ति बढ़ जाती है। आंख में शक्ति ही ना हो तो चश्मा थोड़ा ही बढ़ा देगा। एक आदमी दुकान में गए, वहां लिखा था यहाँ देखने का, धूप का, पढ़ने का चश्मा मिलता। बैठ गए, कई चश्मा लगा, आगे कुछ पढ़ ही ना पावे, और दीजिए और दीजिए। तब वो पूछा 20 मिनट के बाद आप पढ़े कितना है। कहा हम तो एक अक्षर नहीं पढ़े, हम स्कूल ही नहीं गए। तब कैसे पढ़ेंगे, आपने लिखा है पढ़ने का चश्मा मिलता। हम थोड़े चश्मा ही लगाने से पढ़ ले, ऐसे थोड़ी पढ़ लेंगे। आपके नेत्र में जो पावर है, ऐसे ही ये जो उपासना है, जो साधना है, ये जो जप है, ये जो आपका दान है, जप दान हो, ये आपकी शक्ति को बढ़ा देगा, शक्ति को विकसित कर देगा, सहने की क्षमता दे देगा, सहनशीलता दे देगा, खत्म नहीं करेगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने व्यवस्था की, क्या तेर नाव भरे नृप तनु राखा, शरीर को रख दिया, दूत को बुलाया, जाकर के भरत को मेरा संदेश दो, और कुछ मत बताना, केवल ये कह देना कि आपको गुरु जी ने बुलाया है। एक निवेदन और करूं, चालक को, परिचालक को, सेवक को, बहुत लोगों को, आपके साथ के लोगों को, परिवार की अत्यंत गोपनीय बातें किसी को बताना नहीं चाहिए। आपका अपने घर में कोई विवेक भी हो तो सड़क पर प्रकट नहीं करना चाहिए। राम जी ने तब तक नहीं बाली के ऊपर तीर चलाया जब तक सुग्रीव ने नहीं कह दिया बंधु न होई मोरे यह काला, मैं जो कहा रघु वीर कृपाला। श्री राम ने रावण पर तब तक तीर नहीं छोड़ा 31वां, कब तक, जब विभीषण ने कह दिया नाभि कुंड पियो सुबसुरिया के, नाथ जी रावण बलता कि। आपसे कोई कहेगा उनका आदमी आपके भाई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप उससे कहिए ये हमारे घर का मामला है, हम भाई हैं, हम समझ लेंगे। आपको क्या मतलब, उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी। अगर आपने कहा कि क्या बताएं हम क्या कर ही सकते हैं, तो वो कहेगा हम आई ने पिछड़ा जी लड़ाई तो मार डाला सुप्रीम कोर्ट तक। वही गांव का आदमी जब पिता को कैंसर होगा पैसा नहीं देगा, बेटी की शादी
शादी होगी तो जमीन रजिस्ट्री कराने के पहले अनावश्यक पैसा नहीं देगा, बेटे को एडमिशन कराना है पैसा नहीं देगा। ऐसे बहुत से लोग हैं संगठन कार्यक्रमों में आपको एक पैसा की सहायता नहीं करेंगे, लेकिन विघटन कराना हो तो सहायता के लिए खड़े हो जाएंगे। इनकी मित्रता टूट जाए उनके झांसे में मत आना। जब जब आपके गांव में ऐसे आदमी है यही नहीं है, यहाँ तो सब अच्छे आदमी, सब पूरे कोहलौर चिलबिला में खराब आदमी नहीं। हम अपने गांव की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऐसी स्थिति है, भरत जी ने रात को भयानक सपना देखा, भयानक सपना देखा ही राती भयानक सपना। स्वप्न दिखाई पड़ते हैं देवियो, सपना स्वप्न, स्वप्न सिद्धांत है। रामचरित मानस में स्वप्न कई लोगों ने देखा, उहा राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन यस देखा, त्रिजटा नाम राक्षसी राम चरण रति निपुण विवेका, सरलव बोली सुनाए सी सपना। त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया, त्रिजटा ने सीता जी को सुंदर कांड में कौन सा स्वप्न सुनाया, फिर 100 रुपए का पुरस्कार, 25 साल तक का कोई लड़का लड़की बताए, समय आधा मिले। क्या स्वप्न बताया, जो पाठ किया होगा सुंदर कांड जानता, आधा में भोजन बता लो। हाँ तो क्या नाम था, आप सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें, इसने बता दिया। सपने बानर लंका जा रे जातु धान से ना सब मां सपना। एक बार 3 लोग एक जगह पहुंच गए, एक ईसाई, एक मुसलमान और एक पंडित जी। तेनों ने कहा ठीक है यहां विश्राम होगा, कहा ठीक है। और जो पुजारी जी वहां थे आश्रम में, वो बढ़िया खीर बना रहे थे खीर। अब खीर जब तैयार हुए तो कहा तीनों लोगों को खीर मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या, तीनों में से एक को पूरी खीर मिलेगी जो रात में सबसे अच्छा सपना देखेगा, उसी को खीर मिलेगी। सो गए, सवेरा हुआ, तीनों बैठे, पंडित जी और ईसाई और मुसलमान। मुसलमान से पूछा क्या सपना देखा, कहा हमने देखा खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा, उसने हमको उठाया ले गया जन्नत की सैर कराया, बहुत आनंद आया। का बहुत अच्छा सपना। ईसाई से पूछा गांव गांव, उसका देव दूत आया हमको विमान में बैठाया, हेवन का श्रवण कराया, अच्छा गार्डन दिखाया, टहलाया घुमाया। अच्छा पंडित जी को खड़ा किया, आपने क्या सपना देखा, हनुमान जी गदा लेकर आ गए, कहे जल्दी से उठ के खीर खाओ न तुई गदा मारू। मैं गया पूरा खीर खा लिया, खीर खत्म। ईसाई ने मुसलमान ने कहा पंडित जी
जब आप खीर खाने लगे तो हम लोगों को जगा दिए होते। का कैसे जगाता? आप जन्नत में घूम रहे थे, आप हेवन में, यहां होते तब न जगाता। यहां खेले देख राती भरत जी भयानक सपना। अनेक लोग नदी में विकृत स्नान कर रहे हो, उसमें बहुत गंदगी हो, सया सपना अच्छा नहीं है। शादी विवाह समारोह में उपस्थित होकर खा रहे हो, निश्चित श्राद्ध भोज किसी का होगा। स्थितियों के क्रम में, विकृतियों के क्रम में एकदम शरीर नंगा हो, तेल से नहा रहे हो, परम रोगी होगे, कोई ना कोई गलत दृश्य आएगा। सारी देवियां आप समझो बहुत ही सजने बजने के क्रम की अवस्थाओं में दिखाई पड़े, निश्चित सफेद साड़ी पहनना पड़ेगा। स्वप्न सिद्धांत है, स्वप्न में शराब पी रहे हो पैसा मिलेगा, सपने में दाहिने भुजा के पैर में सांप काट ले बहुत धन मिलेगा, सुख मिलेगा। ध्यान से देखना, नोट गिन रहे हो दुख आएगा। स्वप्न देख ही राती भयानक सपना, जाग कर कटा कोटी कलपना। अच्छा स्वप्न न दिखाई पड़े, स्वप्न को खत्म करना हो रोहित शास्त्री को बुलाओ। देखा माई गजब बैठी है, वीडियो मशीनवा के निचोड़ बैठी है, बाय अम्मा गजबाई है, एकदम उड़ी के नीचे बैठी। देखिए बहुत अच्छी माता जी, तो मैंने आपको जिस बिंदु पे ध्यान आकृष्ट किया, आप बड़ी गहराई से देखना। शास्त्रकारों ने बहुत समझ के कहा, एक एक माता, एक ने तो कीर्तन गाया, बतावा सखी सरजू नहलूखीना, बतावा सखी हनुमान जी के दर्शन कैलूखीना, बतावा सखी अजुदिया कैलूखीना, बतावा सखी दियना चलूखीना। ते बड़ी चला सखी थी, बतावा सखी चप्पल चोरई लूटीना। बहुत लोग उसी बैठ जाते हैं, सचा गजब गजब लोग दुनिया में है, आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, शास्त्रकारों ने कहा बहुत करुण रस का मामला है। अब भरत जी उठे, क्या किए, आप रोहित शास्त्री को बुलाओ, रुद्राभिषेक कराओ। आप कुछ ना कर सका तो निश्चित रूप से दुर्गा सप्तशती का कवच पढ़ लो, सारा दुस्वप्न खत्म। शिव अमोघ कवच पढ़ लो, दुस्वप्न खत्म। मंत्र जप कर लो, राम रक्षा स्तोत्र, दुस्वप्न खत्म। अब कुछ ना कर सका तो ब्राह्मण को बुला के, सुगौती महाराज, अच्छा हाँ, ब्राह्मण को बुला के भोजन करा के दक्षिणा दे दो। शिव अभिषेक करई विधि नाना, अभिप्रज्वाई। देखो एक बात समझना, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, जो नियम है बता रहा, नहीं तो कुछ लोग कहते अब गुरु आए न अपनी बात, हमार बात कौन है, इस शास्त्र में लिखा है कि हमार बात है। विप्राय दक्षिणाम दद्या, भोजन का एक रुपया दो कुछ दो, लेकिन दक्षिणा जरूर देना चाहिए। हाँ, इसलिए कि भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य दो। तो प्रजवाई दान दिया, तब तक दूत आ गया, दूत ने कहा गुरुदेव ने आपको बुलाया है, शत्रु घर चलो। तुरंत व्यवस्था की, चल पड़े और सब कुछ पार करते हुए अयोध्या में पहुंचे। मंदिर प्रतिमा नाटक में भास ने लिखा, जब कोई अयोध्या के बाहर जाता था उस मंदिर में जाता था, अयोध्या में प्रवेश करता था उस मंदिर में प्रवेश करता था। मंदिर में क्या था,
जितने लोगों की मृत्यु होती थी उनकी प्रतिमा लगाई जाती थी, इसीलिए संस्कृत में उसको प्रतिमा नाटकम कहा गया। भास ने लिखा। हाँ देखा माई के अपने पतो हुआ बिगड़ी है कुंजिया लाइफ चली आई। अरे बा माई बा जा जा अब उनका समझाई है तब जाए हो गया समझ। अच्छा तो भाई हो देखा हम गलते ही बताए। अच्छा हाँ खाई ले जा खाई ले जा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अच्छा एक बात है, इनकी नतो बहुत अच्छी चाबी माने आई चिंती ना कवन लागत ना बतावई जा ना तो बताए सिहाई लगाऊ अम्मा। हाँ सज्जा हमने निवेदन किया बड़ी गहराई से देखना, शास्त्रकारों ने बड़ा संभाल करके दिव्यतम संकेत किया और बताया भरत जी ने पुत्र ना तुम देखा दिले राघो थोड़ा अच्छा कुल अच्छे अच्छे लोगों की प्रतिभा लेकिन भरत कांप गए। तो जैसे प्राण निकलता था वैसे ही नियम था प्रतिमा लग जाती थी। दशरथ जी की प्रतिमा देख कर कांप गए। हमारे पिताजी नहीं रहे क्या? इसके बाद दशरथ जी का स्मरण। भैया सुनो, जब भरत ने प्रवेश किया अयोध्या में कोई बेटी बेड़ी नहीं कूद रही है, श्रृंगार नहीं कर रही है, यज्ञ मंडप से धुआं नहीं निकल रहा है, शंख नहीं बज रहा है, हरि की माँ का क्रम नहीं है, सरजों के उत्ताल तरंगे नहीं आ रही है, कुसुमित कुसुम नहीं है, पल के क्रम विकृत हो गए हैं, अश्मशान का दृश्य हो गया है, एक दूसरे को देख के लोग भाग रहे हैं, दर्पय एक एक निहारी घोर जंतु संपूर्ण नारी अयोध्या श्मशान बन गई है, घर मसान जन परिजन भूता जिससे बड़े कहते बताओ क्या प्रणाम। जय राम जी की। गवई जोहारे जाय चला जाता है। भरत कुशल पूछ न सकाए भय विषाद मन भर डर गए भला क्या बात है। कोई नहीं रुक रहा, कोई बता नहीं रहा, क्योंकि अयोध्या में एक बात की गूंज है। क्या संदेह कोई कर सकता है? कैकेयी यहां बैठी थी भरत ननिहाल में, वहीं से राज्य की व्यवस्था कर लिए। एक भरत कर सम्मत कहाई हमारा राज हमारे जीवन से निकल गया। जगत सब साकी कहके भारत से कोई कुशल नहीं पूछा। तो कहके अगर राम को वन में भेज सकती है काका क्या हो सकता है। भारत सीधे, जब किसी ने कोई बात नहीं की तो भारत कहके के कक्ष में आए, क्योंकि जो समय था इस समय कहके के कक्ष में दशरथ जी बैठते थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठते थे, सारे लोग बैठते थे। कैकेयी पट महर्षि थी पट रानी। इसी समय सांस समय सानंद ने कहे कैकेयी के सायंकाल सारे सभा के समायोजन के बाद कैकेयी के कक्ष में व्यवस्था होती थी। सुनहि महीप सहित निवासा सब बैठते थे। भरत जी ने सोचा कि प्रजाजनों में बात क्या है समझ में नहीं आती, अयोध्या की स्थिति बिगड़ गई है, लेकिन कैकेयी के कक्ष में जाके ही सब बात पता लग जाएगी और सारे लोगों का दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब कैकेयी के कक्ष में भरत जी गए
तो केवल एक मिली कह के, और कहते इन्हें बहुत अच्छा दिया जलाया। सजी देवी आपसे पूछता है, सब अच्छी देवी आज साजी यार मुदित उठी धाई। ध्यान से पढ़ना अयोध्या कांड, अयोध्या कांड साधारण नहीं है, इसीलिए आदव राम तपो बनादि गमना विवाह प्रसंग को बाल कांड को एक श्लोकी रामायण में आदव खत्म कर दिया। कहां से शुरू किया? तपो, तपस्या करने के लिए राम जंगल गए, बाल के आग वंदना प्रसंग उतर के अंता और मध्य अयोध्या गांव संता। उत्तर कांड का अंतिम, बाल कांड का प्रारंभ और अयोध्या कांड का मध्य इस संतों का देवी प्रमाण चरित्र है। संत इसमें गोता लगाते हैं, आप लोग सब उच्च कोटि के हो, ध्यान से देखना। काय के आरती सजा के वाल्मीकि रामायण सिंहासन समारोही। आइए, आपके लिए सिंहासन तैयार है। भरत प्रवेश करते हैं। भरत ने देखा पूरी अयोध्या दुखी है। भारत दुखित परिवार निहारा। सबसे ज्यादा दुखी कौन है? देवियों जान गई होगी आप, परिवार सर्वेन अत्र मांडवी गज्जते। मांडवी लक्ष्मण गए हैं, उर्मिला से मिलके गए हैं, जंगल में रहते हैं। राम जी की सीता साथ में गई है, अंतिम दो वर्षों में हरण होता है। शत्रुघ्न सुतकीर्ति श्रीवध में है। भरत अयोध्या में रहकर नंदीग्राम में निवास कर 14 वर्षों तक पत्नी से मिलते नहीं है। इस कष्ट को समझो। दिल्ली बंबई कलकत्ता में पति है, वेदना नहीं होगी, लेकिन पति मकूलपुर में रहता है। अब गांव में आप रहोगी, नहीं मिलने आएगा। 12-14 वर्ष वेदना नहीं होगी। मांडवे भारत दुखित परिवार निहारा। बहुत दुखी है, सारे लोग बहुत दुखी है। वहां कौशल्या नहीं दिखी, वहां सुमित्रा नहीं दिखी, वहां दशरथ नहीं दिखे। केवल कहके का क्रम है और कहके सती है। सादी आरती अब मुझे प्रसन्न है। देवियों नारायण भक्त होना, कैकेयी का चित्र बहुत ऊंचा है, लेकिन अभिनय में राम को वन भेजने में कैकेयी ने अपने को जो दिखाया है, पति की लाश पड़ी है, इस समय कोई सजेगा? राम जैसा बेटा, सीता जैसी पुत्र बनो चली गई है, लक्ष्मण जैसा चला गया है, कौशल्या सुमित्रा जिसके बेटे जंगल गए हैं, ऐसा समय सजने का है। लेकिन तुलसी ने पंक्ति लिखी, कहके हर्षित यही भांति मन हो मुदित दवा लाई की राती। ए माता जी, आप लड़के वाले चली जा, लड़का ले जा, आप देव कहा खड़े बोलबे करिए, उनका पतो लड़का भेज दे, भाई कुंजी लेके चली आए। सब एक से ऊपर के तो है, लड़का ले ले चली जा, राज बैठ के कुर्सी लगाए करो। और कहा गए राजकुमार? माता जी को कुर्सी लगाइए, बहुत ज्यादा बोल रही है, भरत चरित कह रहा हूं। आप मतलब लड़का ले जाओ और घुमा तभी चढ़ाए, जब बिस्कुट उस्कुट दे जाए। बहुत बोल रही है आप भाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण।